हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के खिरहर पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ खिरहर गांव निवासी राजू शर्मा ने लोक शिकायत में परिवार दायर किया है। दायर परिवार के अनुसार खिरहर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष लक्ष्मण शाह फर्जी वोटरों का नाम जोड़ दिया जो दूसरे पंचायत से आते हैं, साथ ही फर्जी वोटरों के नाम पर लोन भी उठा चुके हैं, जबकि सरकार का आदेश से अपने भाई या किसी सगे संबंधित को पैक्स प्रबंधक नहीं बनाना है, बावजूद कानून को ताक पर रख कर अपने ही भाई को पैक्स प्रबंधक भी बना दिया है। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण राजू शर्मा ने परिवार दायर करते हुए पैक्स अध्यक्ष लक्ष्मण शाह व पैक्स प्रबंधक रामचंद्र शाह पर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में BCO सतीश कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जिला के स्तर के पदाधिकारी के टीम द्वारा जांच करवा कर दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, लापरवाही बरतने पर किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आइए आपको भी सुनाते हैं वहां के स्थानीय ग्रामीण राजू शर्मा इस मामले को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। पैक्स वाला मामला क्या है? देखिए मामला है, इसमें लोक शिकायत मैंने दर्ज करवाया है, लोक शिकायत की मामला है, जिसमें मामला है खिरहर पंचायत का। खिरहर पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के द्वारा पहली बात यूरिया खाद की कालाबाजारी की गई, दूसरी बात जो पैक्स अध्यक्ष हैं अनाज डीलर बने हुए हैं, खाद विक्रेता बने हुए, उनके द्वारा 5 किलो की जगह 4 किलो ही राशन दिया जाता है, उसमें भी 3.5 किलो ही मिलता है। ये हो गया, अब आ गया है पैक्स चुनाव। बात हो गई पैक्स चुनाव में, जो पैक्स का प्रबंधक है पैक्स अध्यक्ष लक्ष्मण शाह खिरहर के, और पैक्स का जो प्रबंधक है उनके ही भाई रामचंद्र शाह हैं, जबकि सरकार के द्वारा आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है कि कोई भी रिश्तेदार या सगे संबंधी पैक्स का प्रबंधक नहीं हो सकता, और यहाँ तो सगा भाई ही है। दूसरी बात, पैक्स का जो वोटर लिस्ट आया है उस वोटर लिस्ट में भी फर्जीवाड़ा किया गया, दूसरे पंचायत के लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया। तीसरा पॉइंट, पैक्स का जो गोदाम है वो खिरहर में कहीं गोदाम नहीं दिखता है, एक गोदाम है भी जो पैक्स अध्यक्ष के खुद निजी जमीन में है। अब या तो पैक्स अध्यक्ष उस निजी जमीन को सरकार के हवाले कर दे, या जो पैसा सरकार के द्वारा दिया गया उस पैसे को वापस कर दे। रही बात अब मांग हम लोग का है, परिवार हमने दायर किया है कि सभी बिंदुओं पे जांच हो, और शायद बहुत जल्द इस पे जांच टीम गठित भी होगी। अब आगे जो होगी वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने मांग किया है कि जांच बैठनी चाहिए। दो अलग अलग मैंने लोक शिकायत दर्ज करवाया अलग अलग डेटों में, एक आज मैंने दर्ज करवाया और एक पिछले 14 तारीख को ही दर्ज हुआ था, एक 14 तारीख को परिवार मैंने दर्ज करवाया और एक 18 तारीख को। आपका परिचय? मेरा नाम राजू शर्मा हुआ, खिरहर से स्थानीय समाज सेवी।